अंदर थाना के भरौली गांव स्थित बगीचे में 5 एवं 7 नवंबर को एसडीपीओ फिरोज आलम द्वारा गुप्त सूचना पर छापेमारी कर शराब बरामद की गई थी। इसके बाद भरौली पंचायत का चौकीदार मुकेश कुमार यादव अपना मोबाइल बंद कर फरार चल रहा है। पदाधिकारियों द्वारा संपर्क करने पर उसके मोबाइल पर बात नहीं हो रही है। एसडीपीओ फिरोज आलम द्वारा चौकीदार के मोबाइल का सीडीआर निकलवाया जा रहा है ताकि उसकी मौजूदगी कहां और किस किस से बातचीत हुई स्पष्ट हो सके। चौकीदार के मोबाइल का सीडीआर निकालने के बाद इस शराब बरामदगी मामले में कौन कौन शामिल है इसकी जानकारी मिलने में आसानी होगी, साथ ही फरार चौकीदार पर कार्रवाई में आसानी होगी। एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि मामले की जाँच के लिए एसडीपीओ को दी गई है, अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद मैं स्वयं जाकर कार्रवाई करूंगा। बिहार न्यूज़ प्लस से परवेज अख्तर की रिपोर्ट।